फ्रेंड्स, वेलकम है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अनुपमा ब्यूटोपिया में। जैसे कि सर्दियों का सीजन चल रहा है और ऐसे में स्किन बहुत ही ज़्यादा रूखी, बेजान और डल सी हो जाती है, चेहरे का निखार जैसे लगता है कहीं खो सा गया है, तो फ्रेंड्स आज मैं संतरे के छिलके का एक ऐसी रेमेडी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसे अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी स्किन के काले डेड स्किन आपके निकल जाएंगे, चेहरा बेहद गोरा और निखरा हुआ दिखेगा, चेहरे पर बहुत ही अच्छा ग्लो देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा दही। तो दही जो होता है वो लैक्टिव एसिड से भरपूर होता है, नेचुरल ब्लीच होता है, विटामिन सी होता है और इसमें आपको संतरे के छिलके का यूज करना है, संतरे के छिलके का पाउडर। तो यहाँ पर हमने एक चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर यूज़ किया और ये है घर का फ्रेंड्स, जो कि हमने इसे सुखा कर ग्राइंड करके पाउडर बनाया है। आप लोग भी इस तरह पाउडर बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा एलोवेरा यूज़ किया है, उसके बाद बेसन मैं यूज़ की हूँ एक बड़ा चम्मच और थोड़ी सी हल्दी। तो इन सारी जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं सब नेचुरल है, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसे आपको दही में ही बनाना है। जब आपको ऐसा लगे कि इतने में नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा दही और ऐड कीजिए। अगर आपको दही नहीं सूट करता है तो आप कच्चे दूध में भी बना सकते हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जो है रोज वाटर का भी यूज़ इसमें ज़रूर करें और थोड़ा सा लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है। और ये फेस पैक बनके रेडी हो गया है। अब इसे आपको अपने क्लीन चेहरे पर लगाना है और लगाकर आपको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, जैसे कि बाकी के फेस पैक आप अपने चेहरे पर अप्लाई करते हो। अगर आप इस तरह स्किन केयर फ्रेंड्स कर लेते हो वीक में एक ही बार तो आपकी स्किन के डेड स्किन निकल जाएंगे, आपका चेहरा बिल्कुल भी रूखा बेजान सा नहीं लगेगा, आपके चेहरे पर ग्लो और निखार दिखेगा। अगर आप इस रेमेडी को कंटिन्यू लगाते हो तो फ्रेंड्स आपके चेहरे के दाग धब्बे भी रिमूव हो जाएंगे, जैसे कि अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, झाइयाँ, हाइपर पिगमेंटेशन है या आपके चेहरे पर किल मुहासे के दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट हैं, ये सारी समस्याएं हैं, तो आप रेगुलर इस फेस पैक को यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कंटिन्यू कम से कम 15 से 20 दिन यूज़ किए तो आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप अपने चेहरे पर ग्लो, निखार या ड्राईपन को दूर करने के लिए लगा रहे हैं तो आप वीक में एक ही बार यूज़ करोगे तो भी आपका चेहरा बहुत ही अच्छा दिखेगा, आपके चेहरे की स्किन पर ग्लो आ जाएगा, जान आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस पैक को जो बचा हुआ पैक है मैं फ्रिज में रख देती हूँ और दूसरे दिन भी यूज़ कर लेती हूँ। तो दो दिन तक कोई भी पैक आप लगा सकते हो रूम टेम्परेचर में, नहीं फ्रिज में रख कर। और उसके बाद ये ड्राई हो गया था 15 मिनट बाद, तो मैं हल्के हल्के हाथों से मसाज करके निकाल ले रही हूँ, फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये रेमेडी कैसी लगी? अगर आपने इस तरह से कभी संतरे के छिलके का यूज़ नहीं किया है तो आप लोग एक बार कीजिए और आप देखिए आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छा फेसियल जैसा निखार एक ही स्टेप पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने अच्छे से वॉश कर लिया है क्लीन वाटर से, तो आप पहले और अब की स्किन में फ़र्क देख सकते हो, बहुत ही अच्छा सा ग्लो और निखार देखने को मिलता है। और अगर आपका चेहरा इस तरह या आपके चेहरे पर चमक सी दिखने लगती है तो कितना अच्छा महसूस होता है, ऐसा आप लोग को भी होता होगा, मुझे तो बहुत होता है। अगर अच्छा क्लीन दिखने लगता है फेस तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है, आई होप आप लोग को भी ऐसा लगता हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो मैं आप लोग को आइस के पास दिखा रही थी कि आइस के पास भी बहुत ही अच्छा क्लीन हुआ है।